बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर नुगरात, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आगा मसूद हुसैन और मेरा प्रोग्राम है इमरोज़ फ़र्ज़ा। आपको मालूम है कि आजकल मार्केट में 75 रुपये का नोट जो है वो ज़ेर गर्दिश है, और ये नोट पाकिस्तान प्रिंटिंग हाउस से शाया हुआ है और उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है उसमें उनके दस्तखत भी हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये नोट बुनियादी तौर पर जाली नहीं है बल्कि बिल्कुल ठीक नोट है, लेकिन इसके अंदर बड़े एतराज़ उठ रहे हैं और वो मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ छोटे से मतलब इख्तसार के साथ। इस नोट में अल्लामा इक़बाल की तस्वीर है, मोहतरमा जिन्ना साहबा की तस्वीर है, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है और सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर है। हैरत की बात यह है कि उसमें लियाकत अली ख़ान का कोई जिक्र भी नहीं है, वो तस्वीर भी नहीं है। तो ये इस सिलसिले में यह है कि लोगों को बड़ी तशवीश है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जानबूझ के यानी वो शख्स के जिसने अपनी मालोमता पाकिस्तान के लिए वफ़ कर दी, नजर कर दी, हदिया कर दिया, उसका कोई जिक्र ही नहीं है उस नोट में, तस्वीर भी नहीं है। लियाकत अली ख़ान वो वाहिद शख्सियत थे कि कायद अज़म मुश्किल से 1 साल 1 महीने जिंदा रहे और बाकी पाकिस्तान को बनाने का, उसको तामीर करने का, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने का सारी जिम्मेदारी लियाकत अली ख़ान पर थी। और आपको मालूम है कि पार्टीशन के बाद एक ला तादाद कसीर तादाद में महाजिर जो थे वो आ रहे थे, जिनकी आबादकारी का मसला जो था संगीन मसला था, पैसे भी नहीं थे। लेकिन उन ना मसाद हालत में, ना गुप्तवे हालत में लियाकत अली ख़ान ने जो है वो बड़ा जोश जज्बे का मुजाहरा किया, हिम्मत का मुजाहरा किया, हौसला दिया और पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा कर दिया। हैरत की बात है कि वही शख्स, उस शख्स की तस्वीर उसमें नहीं है। इसका मतलब ये कि जानबूझकर कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं कि लियाकत अली ख़ान की जो कुर्बानी है, उनके जो इशार है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह है कि सियासी मंजर से हटाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1991 में शहीद किया गया था, और जब उनको शहीद किया गया तो उनके अल्फाज थे कि खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, और जब उनके पोस्टमार्टम के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया तो उनके मोज़े फटे हुए थे और बनियान फटी हुई थी। और आपको ये भी मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है का दफ्तर है दिल्ली में, वो उनकी अहलिया का घर था गुलेराना। इसके अलावा उन्होंने सारी जायदाद जो थी मुजफ्फरनगर की वो सब पाकिस्तान के नज़र कर दी। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा शहीद मिल्लत, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा काबिल, इतनी बड़ी तालीम, और उसके साथ इन्होंने ये किया कि 75 रुपये के नोट में उन्हीं की तस्वीर जो है गायब की। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, मैं प्रिंटिंग हाउस जो 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 इदारा है जहाँ से कि ये करेंसी छपती है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फ़ौरन जो रुपया है ये मार्केट से उठाया जाए। बहुत से लोग इसे नहीं ले रहे हैं, बल्कि बैंकों में इनकी बड़ी गड्डियाँ पड़ी हुई, लोग भी इसको नहीं ले रहे हैं। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप फ़ौर इसको वापस लें और इस पर तहकीकात करें और गैर जानेब तहकीक कराएँ कि इसके पीछे क्या मकसद है। इसका मकसद वही है कि जो लियाकत अली ख़ान को शहीद करने का मकसद था रावलपिंडी में। मैं समझता हूँ ये बड़ा संगीन मसला है, इस मसले पे गौर करना चाहिए अरबाब इख्तियार को, और उस पर उन लोगों पर मतलब ये कि तादीब करनी चाहिए कि जिन्होंने ये हरकत की है। ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के क़याम, पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान के आइंदा मुस्तबिल का मसला है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी, पाकिस्तान के लिए अपना रुपया पैसा जो है वो नजर कर दिया और उनके साथ ये तरीका और इख्तियार किया जा रहा है, और आपको ये भी मालूम है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी थे, वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप गौर करें कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको एहसास भी नहीं है कि कौन पाकिस्तान का दोस्त है और कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। आप इस पर सब गौर करें और मैं हुकूमत पाकिस्तान से सदा करता हूँ कि इस पर फौरी कमेटी बनाई जाए और ये तहकीक की जाए कि इस नोट के में कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान, शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की तस्वीरों को क्यों ओमिट किया गया, क्यों उसको हटाया गया। यही मेरी इस्तदा है और ये भी इस्तदा है कि इसको मार्केट से हटाया जाए। शुक्रिया भैया।